दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि बैड अपडेट है, बैड न्यूज है। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने फेक लोन ऐप से लोन लिया था और उनका सिविल डाउन हो गया है। अब ये हो रहा है कि आपका सिविल डाउन किया जा रहा है अगर आपने उनका पेमेंट नहीं किया है। फेक लोन ऐप वाले आप सिविल डाउन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत बड़ी अपडेट है। और हम खुद बोलते थे इस बात को कि भैया फेक लोन ऐप से आपने लोन लिया है, बेफिक्र रहिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपका सिविल डाउन नहीं कर सकते, लीगल नोटिस नहीं भेज सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फेक लोन ऐप की वजह से इनका सिविल डाउन हो गया। बकायदा मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद देखा है। तो आज मैं इसी के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने भी फेक लोन ऐप से लोन लिया है तो आप संभल के रहिएगा, आपके पास कॉल भले ही नहीं आ रही हो लेकिन आपका सिविल डाउन कर देंगे और आप कहीं भी किसी भी बैंक या NBFC से लोन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी बैड अपडेट है। तो अब एक काम करो, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो पुंगी को भी सब्सक्राइब कर दो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर रात 10 से 11 के बीच में लाइव आता हूँ, आप लाइव पे आके मुझसे अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने मुद्दे की। दोस्तों मुद्दा यह है कि यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने करीब 8 से 10 लोन ऐप से लोन लिया था और बहुत परेशान थे। करीब 2-3 महीने पहले की बात है, उन्होंने हमको कॉल किया, बहुत परेशान थे। हमने उनको पूरा गाइड किया, ऐसा करो वैसा करो, कॉन्टैक्ट उसको समझाओ, मैनेज करो। हमने खुद समझाया, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करवाई, सब कुछ किया और ये भी कहा कि दवा के गाली गलौज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना पुलिस आएगी, ना लीगल नोटिस, कुछ भी नहीं, आपको डराएंगे, रिकवरी एजेंट भी घर नहीं आएगा, ना ही आपका सिविल डाउन होगा, मैंने ये भी बोला था। लेकिन यहाँ पे हमारी बात फेल हो गई, सिविल डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया, 400 से नीचे करीब हो गया है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार कि सर कभी आप कोई और बात करते हो, कभी कोई बात करते हो, आखिर आप अपनी बात पे टिकते क्यों नहीं हो, आप ये सोच रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने करीब 8 से 10 लोन ऐप से लोन लिया था जो कि फर्जी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनकी एक गलती ये हो गई, उन 8 या 10 में से 2 ऐप ऐसी थी जो कि रजिस्टर्ड थी, पहली ब्रांच और दूसरी नावी, ये 2 ऐप रजिस्टर्ड थी, ठीक है। उन्होंने मुझे कोई वो नहीं भेजा था, लिस्ट नहीं भेजी थी, अगर उन्होंने भेजी होती तो मैं पहले बोल देता कि भैया ये जितनी भी ऐप है ना इनमें से ये फेक ऐप है और ये रियल ऐप है, ये रजिस्टर्ड ऐप है। तो उन्होंने मुझे ऐसा कोई भी जो है लिस्ट नहीं भेजी, उन्होंने डायरेक्टली ये पूछा था मुझसे कॉल करके कि सर मैंने 8 से 10 फर्जी लोन ऐप से लोन ले लिया, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उस हिसाब से उनको वो गाइड कर दिया, ठीक है। मैंने उनसे काफ़ी बोला था कि भैया आप मुझे भेज दो, मैं चेक करके आपको बता दूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं भेजा। तो अब उन्होंने मुझे अपना पूरा सिविल की रिपोर्ट भेजी, उन्होंने लोन ऐप्स की बहुत पूरा तामझाम भेजा कि इतनी लिस्ट है, ये इनसे मैंने लोन लिया था। जब मैंने चेक किया तो उसमें से 2 ऐप रजिस्टर्ड निकली, वो समझ रहे थे फेक, लेकिन उनमें से 2 ऐप रजिस्टर्ड निकली, वो सभी को फेक समझ रहे थे और उसमें से 2 ऐप रजिस्टर्ड निकली। अब बताइए जब रजिस्टर्ड ऐप से आपने लोन लिया है तो वो आपका सिविल तो डाउन करेंगे ही। अब किसकी वजह से हुआ, फेक लोन ऐप की वजह से तो हुआ। अब यार देखो यहाँ पे आपको अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत बुद्धि लगानी होगी, टोटल आप हम पे डिपेंड रहोगे तो यार नहीं हो पाएगा। आप हमसे पूछते हो कि ये रियल है कि फेक है, आप खुद चेक करो उसको। उन्होंने क्या किया, टोटल वो डिपेंड हो गए कि अरे यार ये तो सब फेक है, उनको भी फेक समझ लिया, सबको फेक समझ लिया, जो रजिस्टर्ड ऐप थी उनको भी फेक समझ लिया, बस पेमेंट कर नहीं पाए समय से, उनका सिविल डाउन हो गया। अब क्या है, पेमेंट कर देंगे लेकिन यह कि सिविल को सही करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ये इनकी खुद की गलती थी, ये गलती आप भी कर सकते हो, ये आपने की है तो उसको सुधारो। टोटल आप हम पे डिपेंड मत रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो, खुद सर्च करो कि रियल और फेक में क्या अंतर है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ रियल और फेक में क्या अंतर है, रियल में क्या अंतर है, फेक में क्या अंतर समझो। जो फेक होगा ना, गूगल प्ले स्टोर पे तो उसकी ऐप होगी, APK साइट पे भी ऐप होगी, लेकिन उसकी ऑफिशियल कोई वेबसाइट नहीं होगी। जैसे लैंडवॉल कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, लेकिन प्ले स्टोर पे जाओगे मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, क्रेडिट बस, हैंडी लोन, और आपका एक कहते हैं कि रिच कैश, ऐसी तमाम ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पर तो मौजूद है लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ भी नहीं है। अब रजिस्टर्ड ऐप कैसे पहचानेंगे, अब जैसे नवी और एक ब्रांच, ये दोनों रजिस्टर्ड है
इन्होंने इन दोनों से लोन ले लिया था धोखे से, इनको पता नहीं था कि ये रजिस्टर्ड है या फेक है, जबकि रजिस्टर्ड है। नवी का भी वेबसाइट है, प्ले स्टोर पर भी ऐप है, ब्रांच का भी ऐप है, प्ले स्टोर पर मौजूद है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप डाल देना ब्रांच, आपको पूरी हिस्ट्री निकल के जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि हाँ भैया इनका कौन पार्टनर है कौन पार्टनर नहीं है, वहाँ पर हर एक जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको खुद दिमाग में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ फेक लोन ऐप की वजह से, क्योंकि दिमाग में फेक लोन ऐप ही भरा पड़ा था। ऐसा नहीं है कि सारी जितनी भी ऐप्स है प्ले स्टोर पे सब फेक ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी ऐप रजिस्टर्ड भी हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले ये चीज़ें पता करनी है। मैंने आपको तरीका बता दिया इस तरह से पता कर सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं चेक करके बता दूंगा, हमारी टीम बताएगी आपको अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आपने अगर ऐसी गलती कर दी तो इन भाई की तरह आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। बस इतना सा हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि फर्जी लोन ऐप्स वाले आपका सिविल कभी नहीं उखाड़ सकते, सिविल कभी ख़राब नहीं कर सकते। हाँ, उनकी वजह से आप जो है ये गलती कर सकते हो जो कि इन्होंने भाई ने की। आपने ले लिया रजिस्टर्ड ऐप से, उनको भी फर्जी समझ लिया, घर पर लीगल नोटिस भी आ रहा है, रिक्रूटमेंट एजेंट भी आ रहे हैं, सिविल भी डाउन हो रहा है और न जाने क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि लीगल नोटिस भी कभी नहीं आएगा, रिक्वरी जमी कभी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको खुद तो अपना दिमाग लगाना होगा ना कि कैसे हमको बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ें आपको देखें, हमने इतने सारे वीडियोस बना दिए, आप लोगों को इतना अपडेट कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि इतनी सारी लोन ऐप्स हैं सब शांत हो गई हैं, अभी भी लोगों को परेशान कर रही हैं बहुत सारी ऐप्स हैं। आज शाम को एक वीडियो आने वाला है, आप खुद देखिएगा कैसे भाई, एक भाई इतना रो रहा है ना कि यार यकीन नहीं कर पाओगे आप, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। तो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मैंने सोचा पहले इसको मैं डाल देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो मैं शाम तक डालूंगा, उस पर एडिटिंग चल रही है, शाम तक वो भी मिल जाएगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सिविल आपका कोई भी फर्जी लोन ऐप नहीं उखाड़ सकती है, सिर्फ रजिस्टर्ड ऐप ही उखाड़ सकती है, जो RBI रजिस्टर्ड है, बैंक रजिस्टर्ड है, NBFC रजिस्टर्ड है, वही आपका सिविल उखाड़ सकती है। तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अब इस बात का आप आगे से ध्यान रखें, जब भी आप लोन लें हमेशा रियल और फेक में पता कर लें तभी लोन लें। पहली बात तो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा है, अगर बहुत ज़रूरत है तो रजिस्टर्ड ऐप से लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि फेक लोन ऐप का पूरा आपको पता ही है, पड़ताड़ना, कॉन्टैक्ट पे कॉल वगैरह, ATC सब आपके साथ होगी। तो दोस्तों ये बात पूरी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि अगर आप किसी फर्जी लोन ऐप के चक्कर में फंसे हैं तो साइबर क्राइम में कंप्लेन जरूर कराओ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप मुझसे बात करना चाहते हो, आपको कोई भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं यार जो हम वीडियो के माध्यम से नहीं कह पाते हैं, लेकिन आपके जवाब में क्वेश्चन आ जाता है क्या क्या करें, तो आप मुझसे इस कॉल मी फोर ऐप के माध्यम से मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कंप्लेंट जरूर करानी है, बहुत ज़रूरी है। और हाँ एक बात बहुत ज़रूरी, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो, मैंने बोला है कि लोन ऐप को एक्सपोज करो, कोई भी आपके साथ गलत किया है एक्सपोज करो, चाहे गाली गलौज कुछ भी कर रहे हैं एक्सपोज करो, ये बहुत जरूरी, वरना आप तड़पते रह जाओगे, फंसताते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग कभी भी परेशान कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट पर कॉल करेंगे, आप उनको नहीं समझा पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ आपके कॉन्टैक्ट को हम समझाएंगे। आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस है, प्लीज़ शेयर करो, मेरे साथ लाइव इंटरव्यू करो, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, आपके मुद्दे को उठाऊँगा, और वो वीडियो आप अपना संभाल के रखो, किसी को भी दिखा सकते हो, आपको ज़्यादा किसी के सामने गड़गड़ाने और हाथ जोड़ के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ऐसी कौन सी लोन ऐप है जो आपको परेशान कर रही है, मैं उसकी पर कच्छे उड़ाऊंगा, बस उसका नाम दे देना एक बार बस, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं चलूंगा, लेकिन जाने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो पोंगे को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।